शिवसेना ठाकरे गटाच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी सध्या आपल्या सोबत आहेत। मैडम, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, किस तरह से देखती है आप एमपी हैं और इस घटना को? सबसे पहले तो ये ढोंगी हिंदुत्ववादी, ये अवसरवादी हिंदुत्ववादी, ये राजनीति से जुड़े हुए हिंदुत्ववादी का ये निर्णय का हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं, क्योंकि गणेश चतुर्थी हमारे लिए दिवाली जितने बड़ा त्यौहार होता है, हिंदुओं का एक बड़ा त्यौहार है, हमारी संस्कृति संस्कार धर्म से जुड़ा हुआ ये त्यौहार है। अब उस समय पे ये चोरी चोरी चुपके कर ये सेशन बुलाते हैं, ये बेहद ही शर्मनाक है। इनका ये जो मास्क है, मुखौटा है हिंदू होने का, वो मुखौटा उजागर करता है कि ये मुखौटा पहने हुए हैं सिर्फ वोट पटौने के लिए। वन नेशन वन इलेक्शन ये बिल पारित पेश किया जा सकता है ऐसा कहा जा रहा है, किस तरह से देखती है क्या ये? अगर इस तरीके का काम करेंगे, जहां अवसरवादी काम करेंगे बगैर इलेक्शन कमीशन से राय मशवरा कर, बगैर सिटिंग चीफ मिनिस्टर से राय मशवरा कर, बगैर सिक्योरिटी सर्विसेज से पूछ कर कि ये निर्णय पॉसिबल है या नहीं है, अगर ये काम करते हैं तो हम ही क्या, पूरा देश उठकर इनका विरोध करेगा। क्या केंद्र सरकार घबराई हुई है ऐसा लग रहा है, और तो लोकसभा चुनाव जल्द से जल्द देने की तैयारी है? आपको पता है ना, जब लास्ट मोमेंट्स होते हैं, जब कोई किसी की डेथ हो सामने आती है, जैसे सरकार खत्म होने का समय आता है, तो छटपटाई हुई होती है, तिलमिलाई हुई होती है, घबराई हुई होती है। ये अपने आखिरी चरम पे हैं, 2024 में देख रहे हैं वापस नहीं आने वाले हैं, तो इलेक्शन के माध्यम से ये इसमें अपना लास्ट स्टेजेस पे अपने आप अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पर मैं कह सकती हूँ, इंडिया अलायंस का प्रधानमंत्री 2024 में बनने जा रहा है, ये कुछ भी कोशिश कर ले, इनकी कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। आखिरी सवाल, अभी आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी इस केंद्र सरकार के विरोध? पहले मुझे ये जवाब दें कि ये स्पेशल सेशन किस आधार पे बुलाया गया, ऐसी क्या जल्दबाजी थी जो ये सेशन बुलाया गया? मॉनसून सेशन अभी हाल ही में खत्म हुआ है और विंटर सेशन शुरू हो गया है, तो क्या जल्दबाजी थी?